हेलो, आज का टॉपिक मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेट लाइन्स को पढ़ाना। पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेंगे, उसके बाद फिर एक्चुअल स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। तो पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं कि जैसे पहले ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कि एंगल बी, अगर कोई भी एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट वाला साइड बड़ा ही होगा, पहली प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि तीनों का सम पाई के बराबर होगा, तीनों एंगल्स का सम। ये सेकेंड प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। थर्ड प्रॉपर्टी ट्राइंगल की है कि ए प्लस बी इज ग्रेटर से कि कोई भी टू साइड्स का सम थ्री साइड से बड़ा होगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। ये ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमने देखा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एंगल बाइसेक्टर्स पे। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब जो ऐसा लाइन जो कोई भी एंगल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करे। जैसे इस फिगर में दिख रहा है कि ट्राइंगल एबीसी है, और ये मैंने एक एडी एंगल बाइसेक्टर कर रखा है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो एडी का लेंथ होता है वो आता है टू बी सी अपॉन बी प्लस सी कोस ए बाई टू। ये आता कैसे है वो बाद में देख लेंगे, बस अभी कुछ टर्मिनोलॉजी जाना, इसलिए इस फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया है। और याद कैसे रखना है कि जैसे अगर एडी निकालना है तो टू इंटू जो भी इसकी एडजेसेंट साइड है उनका प्रोडक्ट अपॉन एडजेसेंट साइड का सम इंटू कोस ऑफ हाफ द एंगल ऑफ ए। जैसा कि हमें अगर एंगल बी का बाइसेक्टर होता, लेट सपोज बीई वो निकालना होता, तो वो कैसे निकालते? टू इंटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट मतलब टू इंटू सी ए अपॉन ए प्लस सी इंटू कोस ऑफ बी बाई टू। इस तरीके से अगर हमारा सी का एंगल बाइसेक्टर अगर सी एफ होता तो सी एफ इक्वल टू क्या आता? टू इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू। तो ये हमने एंगल बाइसेक्टर का लेंथ देखा कैसे निकालते हैं। और एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको इनसेंटर बोलते हैं। ये आई पॉइंट दिखा रखा है, इसको इनसेंटर बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरन एंगल एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट की इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल ऐसा सर्कल जो तीनों साइड्स को टच करे, कोई भी ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करे, उस सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं। तो इन सर्कल का जो रेडियस होता है उसे इन रेडियस बोलते हैं, और उसको निकाला उसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा बाई एस होता है, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस। ये आया कैसे वो आगे देखेंगे, बस अभी जस्ट टर्मोलॉजी जान रहे हैं, आर इक्वल डेल्टा बाई एस। नेक्स्ट टर्मोलॉजी अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो और अगर हम तीन ट्राइंगल की तीन अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन है कि लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, उसको मीडियन, वो लाइन मीडियन होती है, और तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रोइड बोलते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि लाइक मैंने एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो कर रखा है कि वो बाइसेक्टर भी होना चाहिए एबी को और उसके परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि एनी पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंस होगा ए और बी से। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लें तो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। नेक्स्ट सर्कम सर्कल। जैसे हमने इन सर्कल देखा उसी तरीके से सर्कम सर्कल क्या होता है कि ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल को ट्राइंगल से तीनों पॉइंट से जाए, ट्राइंगल के तीनों पॉइंट ए बी सी से जाए बट आउटसाइड द ट्राइंगल। और इस सर्कल के सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, और इसके रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं। लाइक ओ ए वो भी आर के बराबर है, ओ बी वो भी आर के बराबर है, ओ सी वो भी आर के बराबर ही है। तो ये सर्कम सर्कल हो गया। सर्कम सर्कल के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वही उसका ऑर्थो सेंटर है। राइट एंगल ट्राइंगल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। एंड राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल कुछ दो तीन प्रॉपर्टी स्पेसिफिक की ऑर्थो सेंटर है, वो जहाँ 90 बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। और जो इस राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होता है वो एसी का मिड पॉइंट ही होता है। बेसिकली जो एसी का मिड पॉइंट होगा वो ही उसका एसी मतलब हाइपोटेनस, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस होगी उसका मिड पॉइंट ही उसका सर्कम सेंटर होगा। ओके, एंड एओ ओसी एंड बीओ तीनों आर के बराबर होगा। नेक्स्ट एक नोट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि इसे इसे कई दो तीन बार जेई में क्वेश्चन में पूछ रखा है, जेई मेंस में पूछ रखा है। तो वो क्या पॉइंट है देखते हैं कि सेंट्रोइड
एंड इन सेंटर, सेंट्रोइड मीन्स मीडियन का इंटरसेक्शन, इन सेंटर मीन्स एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, वो ऑलवेज लाई करेगा इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो जाए, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, अगर सेंट्रोइड और इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के इंटरनली लाई करता है. वेयर एज ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर लाई इन साइड, आउटसाइड और पेरीफेरी. जबकि ऑर्थो सेंटर जो होता है अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, एंड सर्कम सेंटर वो होता है मीडियंस का इंटरसेक्शन, वो इनसाइड भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी लाई कर सकता है और पेरीफेरी पे लाई कर सकता है. वो डिपेंड करता है कि अपना ट्राइंगल कैसा है. अगर अपना ट्राइंगल एक्यूट है तो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर वो भी इनसाइड लाई करेगा. अगर ट्राइंगल अपना ऑब्ट्यूस है तो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर आउटसाइड लाई करेगा, और राइट ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर पेरीफेरी पे लाई करेगा. सेंट्रोइड और इन सेंटर तो कैसा भी ट्राइंगल हो हमेशा ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, बट ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है और पेरीफेरी भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि अपना ट्राइंगल कैसा है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे दो बार पूछ रखा है मैंने इसमें क्वेश्चन. नेक्स्ट एक और नोट है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर वो 2:1 में, जो जी सेंट्रोइड है वो एच एंड ओ को 2:1 में डिवाइड करेगा. एच मेरा ऑर्थो सेंटर है, ओ सर्कम सेंटर एंड जी सेंट्रोइड. ये टू नोट बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ क्वाड्रिलेटर को भी जान लेते हैं. अभी हमने क्या देखा कि ट्राइंगल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखी, कुछ टर्मिनोलॉजी देखा कि इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, एंड इससे रिलेटेड कुछ नोट्स. अब क्वाड्रिलेटर पे चलते हैं. तो क्वाड्रिलेटर की बेसिक प्रॉपर्टी की सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्वाड्रिलेटर का एंगल का सम तो 360 होता है, या मैंने बस पॉइंट लिख दिया कि इंटीरियर एंगल अगर एन साइड होगा, जैसे पेंटागन होगा तो 5 - 2 × π, ये उनका एंगल्स का सम होगा. अगर हेक्सागन है तो 6 - 2 × π, ये उनके सारे एंगल्स का सम होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम. अब क्वाड्रिलेटर में जो इंपॉर्टेंट पहला क्वाड्रिलेटर अपना है पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम के ये तीन पॉइंट्स, अगर तीनों पॉइंट्स में कोई एक भी पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो हम समझ लेंगे कि वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है. अगर ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसका अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, अपोजिट साइड क्या बोला मैंने, पैरेलल भी है इक्वल भी है. लाइक इसमें लिखा रखा है डायग्राम में कि ए बी एंड सी डी वो दोनों पैरेलल भी है, और ए बी का लेंथ भी ए है, सी डी का लेंथ भी ए है, तो एंड ए डी एंड बी सी भी पैरेलल है और दोनों का लेंथ बी भी है, तो वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो जाएगा. और अगर ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मीन्स अगर एंगल ए एंड एंगल बी का सम शो हो रहा है कि 180 है, या फिर एंगल सी एंड एंगल डी का सम 180 शो हो रहा है, तो वो हमारा क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो जाएगा. और पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर तब भी पैरेललोग्राम बन जाता है जब उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्टेड होती है. मतलब अगर ओ इसका डायगोनल का इंटरसेक्शन है, तो ओ डी और ओ बी अगर बराबर हुआ, ओ ए और ओ सी बराबर हुआ, तब भी वो क्वाड्रिलेटर हम पैरेललोग्राम हो जाएगा. नेक्स्ट है कि मतलब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है हाफ डी वन इंटू डी टू इंटू साइन फाइव. डी वन एंड डी टू लेंथ ऑफ डायगोनल्स, एंड साइन फाइव इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन डायगोनल्स, फाइव इज द एंगल बिटवीन डायगोनल. नेक्स्ट एक और हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं एक और नेक्स्ट दूसरा वैसे कि अगर हम वो होता है कि बेस इंटू हाइट, बेस लाइक ए बी इंटू हाइट, मैंने डी ही ले लिया. ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ है ए के बराबर, एंड हाइट जो डी है वो कितना आ जाएगा, अगर ये बी है ये थीटा है, तो डी ए कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा. तो डी ई इक्वल टू बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा, ये भी पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला. नेक्स्ट स्पेशल क्वाड्रिलेटर हमारा रोम्बस है. मतलब पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, 4-5 क्वाड्रिलेटर स्पेशल होते हैं जो कि बार बार वही यूज आते हैं, तो इसलिए हम नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस. रोम्बस में लिखा है कि पैरेललोग्राम विल बी रोम्बस इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. अगर ऐसा क्वाड्रिलेटर जो पैरेललोग्राम है, और अगर उस पैरेललोग्राम में डायगोनल परपेंडिकुलर हो गया, तो हम उसको रोम्बस बोल देंगे. एंड नेक्स्ट कि रोम्बस अगर ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो भी वो रोम्बस बोला जाएगा. एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स अगर ये एंगल डी बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है थ्रू द डायगोनल, अगर तो हम उसको रोम्बस बोल देंगे. और रोम्बस का एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ डी वन इंटू डी टू. मीन्स रोम्बस क्या है, एक तरीके से पैरेललोग्राम है, बस कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो पैरेललोग्राम से रोम्बस बना देती है क्वाड्रिलेटरल को.
जैसे कि हमने पेलोग्राम एरिया का फॉर्मूला देखा था, हाफ डी वन इंटू डी टू इंटू साइन फाइव, तो यहाँ पे भी वो लग सकता है क्योंकि रोमबस भी क्या है, रोमबस भी एक पेलोग्राम है, बस कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ है। तो हाफ डी वन इंटू डी टू, और बोला था कि हमने कि रोमबस में पेलोग्राम, रोमबस वो ऐसा पेलोग्राम है जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर होती है, तो इंटू साइन फाइव एंगल बिटवीन डायगोनल्स वो 90 हो जाएगा, तो इसलिए हाफ डी वन इंटू डी टू आ गया। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के पेलोग्राम को कब रेक्टेंगल बोलेंगे, अगर सारे के सारे एंगल 90 हो जाए तो उस पेलोग्राम को हम रेक्टेंगल बोल देंगे। नेक्स्ट मतलब इन फोर पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, या तो इसका एंगल 90 हो जाए, या फिर डायगोनल्स इक्वल हो जाए, डायगोनल्स इक्वल मतलब ए सी और बी डी बराबर हो जाए, या फिर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी यहाँ पे डायगोनल का लेंथ है, तो भी वो पेलोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी है जो पेलोग्राम को रेक्टेंगल बना देती है, और रेक्टेंगल जो होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है कि रेक्टेंगल से हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो एक रेक्टेंगल कब स्क्वायर बन जाएगा कि जब उसकी सारी साइड्स बराबर हो, या फिर डायगोनल परपेंडिकुलर हो, या फिर डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, ये तीन प्रॉपर्टी रेक्टेंगल को स्क्वायर बना देती है। ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर जिसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो, जैसा कि फिगर में ए बी एंड सी डी पैरेलल है, तो हम उसको वो क्वाड्रिलेटर पेलोग्राम बन गया, वो क्वाड्रिलेटर ट्रेपेजियम बन गया। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, कैसे याद रखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड यहाँ पे ए बी और डी सी है, तो ए प्लस बी इंटू हाइट, जो भी पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। नेक्स्ट स्पेशल क्वाड्रिलेटर इज काइट। काइट की डेफिनेशन कि अगर कोई भी एक डायगोनल डिवाइड कर रही है क्वाड्रिलेटर को टू कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में, तो हम उसको काइट बोल देंगे। जैसे लाइक इस फिगर में एसी जो डायगोनल है वो टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है, ए बी सी एंड ए डी सी दो ट्राइंगल, तो ये काइट हो गया। तो काइट की डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती है, और काइट का भी फॉर्मूला हाफ डी वन डी टू इंटू साइन फाइव, हाफ डी वन डी टू इंटू साइन फाइव 590, तो हाफ डी वन डी टू हो गया। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कैसा क्वाड्रिलेटर जिसकी वर्टिसेस, ऑल फोर वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, तो उस क्वाड्रिलेटर को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोल देंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज के ऑपोजिट एंगल का सम पाई के बराबर होता है, ए प्लस सी इक्वल्स टू पाई, बी प्लस डी इक्वल्स टू बी पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पे ई से ऊपर रखा है, अगर ई से मैंने कोड खींचा, कोड ड्रॉ किया ई से ए बी, और नेक्स्ट कोड क्या ई पी क्यू, नेक्स्ट कोड ड्रॉ किया ई सी डी, एंड वन कोड इज नॉट कोड इट्स टेंजेंट ई टी, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ई बी इंटू ई ए इक्वल्स टू ई पी इंटू ई सी इंटू ई डी है, ई बी इंटू ई ए इक्वल टू ई सी इंटू ई डी होगा, एंड ई पी इंटू ई क्यू होगा। कोई भी दो कोड ले सकते हैं हम, लाइक मैंने अगर ई ए और ई क्यू को लिया तो क्या होगा, EB into EA equal to EP into में EQ, अगर EA into ED को लिया तो EB into EA equal to EC into ED होगा, और अगर हमने tangent ले लिया तो दो कोड नहीं बनेगी, वो tangent बनेगी, तो ET into ET होगा, तो ET का square हो जाएगा, तो इसलिए ET square के भी बराबर है। ये बहुत important property थी। Next theorem is थॉमस थ्योरम। ये थ्योरम ओनली साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के लिए वैलिड है। अगर ऐसा क्वाड्रिलेटर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होगा। मींस अगर ए बी इंटू सी डी करें तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इक्वल टू होगा डायगोनल का प्रोडक्ट, मतलब डी बी इंटू ए सी होगा। तो ये थ्योरम ओनली साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के लिए वैलिड है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड मीन ए बी इंटू डी सी प्लस ए डी इंटू बी सी इक्वल्स टू डी बी इंटू ए सी। ये पी थ्योरम है। अब ये हमने कुछ बेसिक्स चीजों को जान लिया है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता चल गया कि ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटर एंड कुछ टू थ्री इंपॉर्टेंट थ्योरम। यहाँ से अब बेसिकली स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होता है नहीं तो। तो नेक्स्ट है कि फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में थिंक डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर ए पॉइंट है बी पॉइंट है तो एक्स वन वाई वन
ए और बी एक्स टू वाई टू, तो डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू वाई स्क्वायर माइनस वन बाई टू वाई स्क्वायर। ये आया कैसे? अगर मैंने यहाँ पे प्रूफ नहीं लिख रखा है, बेसिकली सिंपल है कि अगर हम ए पॉइंट लें और बी पॉइंट लें तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन वाई टू का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है कुछ कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1, 3, 4, -1। सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन तो सीधा है, सेकंड भी डायरेक्ट, थर्ड भी डायरेक्ट, बस टू पॉइंट दे रखे हैं हमें डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला याद है, बस एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन वाई टू का स्क्वायर का रूट तो हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर सपोज वन स्ट्रेट लाइन ए बी, ए पॉइंट इज एक्स वन वाई वन, बी पॉइंट इज एक्स टू वाई टू, एंड देर इज अ पॉइंट विच इज इन इंटरनल इन साइड द सेगमेंट ए बी विच इज पी, जो कि एम रेशियो में डिवाइड करता है पी पी पॉइंट ए बी को। तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। मतलब अगर हमने ए पी लिया, एम लिया, तो हम अनदर साइड का पॉइंट लेंगे एक्स टू, एम एक्स टू प्लस अगर एन लिया तो इन टू एक्स वन, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एम प्लस एन। वैसे अगर y कोऑर्डिनेट लिया तो m y2 n y1 upon n plus n, बेसिकली क्रॉस चलेगा। ये इंटरनल डिवीजन हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूला में एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, वो भी आगे देखेंगे। ये इंटरनल डिवीजन का था। और अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर m रेशियो n 1 रेशियो 1 हो गया तो p मिड पॉइंट हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ 1, 1 एंड 10, 3। तो इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब कि ट्राइसेक्शन मैंने सॉल्यूशन में लिखा रखी P और Q दो पॉइंट हो सकते हैं, AP रेशियो PB 1:2 हो जाए, AQ रेशियो QB 2:1 हो जाए, तो टू पॉइंट हो सकते हैं जो कि ट्राइसेक्ट करेंगे। तो अगर P पॉइंट निकालना है तो 1:2, तो P पॉइंट क्या हो गया, 1 × 10 प्लस 2 × 1 बाई 1 + 2। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 × 3 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2, ये पॉइंट पी आ गया। नाउ फॉर कोऑर्डिनेट Q, कोऑर्डिनेट Q के लिए क्या होगा कि ए क्यू रेशियो क्यूबी 2:1 होगा, तो 2 उसी तरीके से निकालेंगे, बस 1 की जगह 2 एंड 2 की जगह 1 आ जाएगा, ये पॉइंट क्यू भी आ जाएगा। नेक्स्ट की सेंट्रोइड, जो कि हमने देखा था कि मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। ओके, एंड सेंट्रोइड जो होता है कि अगर लेट सपोज कि मैंने ए डी यहाँ पे मीडियन है, तो ए जी रेशियो जी डी 2:1 होगा। तो हम निकाल भी इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर डी पॉइंट क्या होगा, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे तो जी के कोऑर्डिनेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इफ वर्टिसेस आर गिवन, आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ जी, निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि फाइंड द रेशियो इन विच ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड द टू पॉइंट इंटरनली। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू पॉइंट है 1:1 एंड 3, -1, अगर हमने इनको कनेक्ट किया तो लाइन सेगमेंट बनेगा, और ये अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो लेट सपोज हमने सपोज किया कि पॉइंट पी है, तो अगर पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 इस टाइम होंगे। और लेट सपोज हमने मान लिया कि लैम्डा रेशियो 1 है, मींस ए पी रेशियो पी भी लैम्डा रेशियो 1 है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू 3 प्लस 1 × 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, एंड 0 इक्वल टू लेमडा इंटू माइनस 1 प्लस 1 × 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। यहाँ से लेमडा आ गया 1, तो 1:1 हो गया। ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें हमेशा ही लेमडा रेशियो 1 ही मानना है, और उस कोऑर्डिनेट को देखना है कि जो 0 हो रहा है, कि अगर यहाँ पे वाई एक्सिस होता तो हम एक्स कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट निकालते सेक्शन फॉर्मूला से और इसको 0 कर देते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सिस का हमें पूछ रहा है। अगर एक्स एक्सिस का पूछा है इसलिए मैंने वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, और सेक्शन फॉर्मूला से वाई कोऑर्डिनेट निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला जो मैं बोल रहा था कि एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज ये दे रखा है ए बी, ए पॉइंट एक्स वन वाई वन, बी पॉइंट एक्स टू वाई टू, एंड पी पॉइंट विच इज नॉट इंटीरियर ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, इट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट पी, इट्स आउट, जो कि ए बी लाइन सेगमेंट के आउट साइड है पी पॉइंट। तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है कि एपी रेशियो बीपी, ये रेशियो बहुत जरूरी है कि कौन सा रेशियो होता है, कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो होता है एपी रेशियो बीपी, वो होता है एम रेशियो एन के बराबर। फिगर में क्लियर इसको रखा है कि एपी रेशियो बीपी एम रेशियो होता है, ये एक्सटर्नल डिवीजन का मीनिंग है।
तो इसमें अगर हम देखेंगे कि पी पॉइंट, तो वो क्या आएगा, एम एक्स टू, वो भी क्रॉस ही चलेगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। जो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल वाला था उसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन एन वाई कोऑर्डिनेट, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग एक्स नॉट टू रेशियो थ्री, बस इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फिगर में दिखा रखा है कि पी पॉइंट ए पॉइंट शो कर रखा है, पी पॉइंट कर रखा है टू रेशियो, तो टू इंटू सेवन, पी ए टू है पी बी थ्री है, तो टू इंटू सेवन क्रॉस चलेगा, माइनस थ्री इंटू टू अपॉन टू माइनस थ्री, वैसे वाई कोऑर्डिनेट टू इंटू नाइन माइनस थ्री इंटू थ्री अपॉन टू माइनस, तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिविजन का। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हार्मोनिक कंजुगेट किसको बोलते हैं, बेसिकली ये टॉपिक ही है हार्मोनिक कंजुगेट। तो हार्मोनिक कंजुगेट किसको बोलते हैं कि इफ, पहले डेफिनेशन पढ़ लेता हूं मैं, इफ ए पॉइंट डिवाइड ए बी इंटरनली इन द रेशियो ए रेशियो बी एंड पॉइंट क्यू डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ए रेशियो बी, देन पी एंड क्यू आर सेड टू बी हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ए बी। क्या बोलना चाह रहा है ये कि दो पॉइंट गिवन है ए और बी, इफ अगर एक पॉइंट है पी जो ए पी रेशियो पी बी ए रेशियो बी है, और आउटर एक्सटर्नल भी एक कैसा पॉइंट क्यू है जो कि ए क्यू रेशियो बी क्यू, ये भी अगर ए रेशियो बी है, तो ए पी बी पी ए पी रेशियो बी पी लेमडा रेस टू वन है, ए क्यू रेशियो बी क्यू भी लेमडा रेस टू वन है, तो ए बी ए पी ए बी एंड ए क्यू ए पी ए बी एंड ए क्यू, ये एक हार्मोनिक कंजुगेट, पॉइंट पी एंड क्यू को हार्मोनिक कंजुगेट बोलेंगे। बस इनके बीच में एक रिलेशन क्या आ जाएगा ए पी ए बी ए क्यू में कि दोनों एच पी में एच पी में होंगे, ए पी ए बी ए क्यू ये तीनों जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो एच पी में होगी। एच पी में हमने रेशियो प्रोपोर्शन में देखा होगा कि ए बी अगर एच पी में होता है तीन पॉइंट, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू ए पी इंटू ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू, मीन्स अगर ए बी सी तीन नंबर अगर एच पी में है तो बी इक्वल टू कितना होता है, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। वैसे ही अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो ए पी ए बी ए क्यू ये हार्मोनिक कंजुगेट हो गए, मीन्स एच पी में होंगे, तो बीच वाला जो ए बी है वो हो जाएगा टू ए पी ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू। ओके, इस पे इसी के बेसिस पे क्वेश्चन की इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड पॉइंट विच डिवाइड ए बी एक्सटर्नल इन द रेशियो थ्री, फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। तो ऊपर वाले डायग्राम में क्यू को बोलते हैं पी का हार्मोनिक कंजुगेट, तो इसी तरीके से इसमें क्या बोला है कि ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड करें वन रेशियो टू में, फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट, मीन्स हम क्यू निकालेंगे एक तरीके से और पी फिर हमें फाइंड करना होगा। तो पॉइंट पी डिवाइड b1 ratio externally, externally का फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम, a और b 0,0, b 9,0, p 1 ratio 2, तो 1 into 9 minus 2 into 0 upon 1 minus 2, x coordinate उसी तरीके से y coordinate 1 into 0 minus 2 into 0 upon 1 minus 2, p point आ गया। और तो फिर q point निकालने के लिए क्या करेंगे कि external harmonic conjugate वो point होता है कि वो internally b1 ratio 2 में divide करे, तो हम internally b1 ratio 2 लगा देंगे बस, या minus की जगह plus कर देंगे, तो हमारा q point आ जाएगा। बस इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि हार्मोनिक कंजुगेट निकालने के लिए, तो हार्मोनिक कंजुगेट बस उसको बोलते हैं कि रेशियो सेम होना चाहिए इंटरनली और एक्सटर्नली। नेक्स्ट टॉपिक की इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है कि मीडियंस सॉरी मीडियंस नहीं एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन का पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा कि ए ए पॉइंट एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू सी एक्स थ्री वाई थ्री एंड ए के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो इन सेंटर क्या होगा स्मॉल ए इंटू एक्स वन, जो साइड लेंथ है उसके अपोजिट वाला पॉइंट ए इंटू एक्स वन, बी ए तो अपोजिट वाला पॉइंट एक्स टू प्लस सी इंटू अपोजिट वाला पॉइंट एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, एंड ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये आया कैसे वो मैंने इधर नहीं लिख रखा है, वो भी सब वो बात आगे देख लेंगे कि ये पॉइंट प्रूफ कैसे हुआ है। तो इन सेंटर का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई वन आई टू आई थ्री, जिस तरीके से इन सेंटर होता है उसी तरीके से एक्स सेंटर भी होता है। तो ये आई वन आई टू आई थ्री क्या है, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर में अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो ए बी जो लाइन है वहाँ उसका एंगल बाई सेक्टर एंगल बी वाला जो एक्सटर्नल एंगल है उसका बाई सेक्टर, और जो एंगल सी पे जो एक्सटर्नल एंगल है उसका बाइसेक्टर जहाँ पे मीट होता है उसको एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आई वन हो गया आई टू एंड आई थ्री,
तो आई वन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए इंटू एक्स वन। एक्स वन मीन्स एक्स वन एक्स टू है ए के कोऑर्डिनेट, एक्स टू वाई टू है बी के कोऑर्डिनेट, एक्स थ्री वाई थ्री है सी के कोऑर्डिनेट। तो आई वन इक्वल टू माइनस ए टाइम्स एक्स वन प्लस बी टाइम एक्स टू, सेम फॉर्मूला है। बस वहाँ पे अगर आई वन निकालना है, लेट सपोज हमें ए के सामने वाला इन एक्स सेंटर आई वन है, तो माइनस ए वाले टर्म में आ जाएगा माइनस ए एक्स वन। आई टू क्या है, बी के सामने वाला, तो माइनस बी एक्स टू आ जाएगा। आई थ्री क्या है कि सी के सामने वाला एक्स सेंटर, तो माइनस सी एक्स थ्री आ जाएगा। बस ये चेंज हुआ है दोनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इन सेंटर एंड एक्सेंटर के, और ये फॉर्मूले याद ही रखने होंगे। अगर ये याद अगर याद होंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड पॉइंट दे रखा है ट्राइंगल का, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकालना है। तो वर्टिसेस हम मान लेंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, एंड मिड पॉइंट एक्स वन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अभी इन सेंटर एक्सेंटर पे जो क्वेश्चन है वो अभी आगे देखेंगे। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें तीन कोऑर्डिनेट दे रखे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर 4 1 5 माइनस 2 एंड 3 7, फाइंड डी सो दैट ए बी सी डी इज ए पैरेलोग्राम। तो मैंने इसमें शायद आगे एक फिगर, हाँ आगे एक डायग्राम बना रखा है कि ए बी सी के पॉइंट हमें पता है 4 1 5 माइनस 2 3 7। तो हमारा इंट्यूशन ये कहता है कि डायग्राम से पता चल रहा है कि थ्री पॉइंट पॉसिबल है, मतलब जो डी कोऑर्डिनेट है उसके थ्री पॉइंट पॉसिबल है ताकि ए बी सी डी पैरेलोग्राम बने। तो डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि थ्री पॉइंट किस तरीके से पॉसिबल है, कि अगर बी के सामने वाला पॉइंट हो जाए डी, ए के सामने वाला डी डबल डैश, सी के सामने वाला डी डैश। तो फर्स्ट केस मैंने लिया किसको, डी को निकालने के लिए। तो पैरेलोग्राम की जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो डायगोनल्स होते हैं, अगर पैरेलोग्राम के जब ऑपोजिट कॉर्नर निकालना होता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी लगता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लस डी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लस डी क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लस डी क्या आएगा, अल्फा प्लस फाइव, एंड कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी इज 3 प्लस 4, यहां से अल्फा आ गया। उसी तरीके से बीटा निकाल लेंगे। अब सेकंड केस डी डैश एक्स कॉमा वाई, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 5 होगा, यहां से एक्स आ जाएगा, वाई भी उसी तरीके से थर्ड केस भी हो जाएगा। मेन पॉइंट यह था कि यहां पे कि डी के तीन पॉइंट पॉसिबल है, ये विजुलाइज होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया क्वेश्चन कि इन सेंटर और एक्स सर्कल निकालना है। लाइक हमें क्वेश्चन दे रखा है कि लाइंस 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, फॉर्म ए ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी फॉर्म फिगर में शो कर रखा है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्या है कि लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, जो कि ये सी बी लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, एंड लाइन x इक्वल टू 0 एसी लाइन, y इक्वल टू 0 एबी लाइन। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि ऐसे कितने सर्कल होंगे कि जो इस गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सर्कल अगर एक इन सर्कल हो गया, इंटरनल हो गया, कि जो तीनों लाइन को टच करे ए बी सी, जिसे हमें इन सर्कल बोलते हैं, और नेक्स्ट थ्री सर्कल और पॉसिबल है जिसको एक सर्कल बोलेंगे, कि अगर एक सी के ऑपोजिट वाला सर्कल हो जाए बी के ऑपोजिट, एंड नेक्स्ट इज ए के ऑपोजिट। तो ये थ्री सर्कल, टोटल चार सर्कल ऐसे पॉसिबल होंगे जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें चारों सर्कल का सेंटर एंड चारों सर्कल का रेडियस निकालना है, जिसमें से एक सर्कल इन सर्कल है एंड तीन एक्स सर्कल है। तो हमें पहले हम ट्राइंगल के पॉइंट्स निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस ए बी सी। तो ए जीरो 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 आ गया, बी में वाई इक्वल टू बी में बी सी लाइन में वाई को जीरो रख दो तो एक्स क्या आया, फोर आया। तो बी पॉइंट कितना हो जाएगा, फोर कॉमा जीरो, एंड ए पॉइंट क्या हो जाएगा, थ्री कॉमा जीरो, सॉरी जीरो कॉमा थ्री, सॉरी सॉरी सी पॉइंट हो जाएगा जीरो कॉमा थ्री, ए जीरो जीरो एंड बी इज फोर कॉमा जीरो। बी ए सी की कोऑर्डिनेट आ गया, और इनकी लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो ए कौन सा लेंथ है, जो कैपिटल है उसके सामने वाली लेंथ ए बी सी, बी सी लेंथ फाइव आ गया, ए सी लेंथ थ्री, ए बी लेंथ फोर। तो इन सर्कल क्या होता था कि बी सी लेंथ इंटू उसके ऑपोजिट वाला कोऑर्डिनेट, मतलब बी सी फाइव था तो फाइव इंटू जीरो प्लस ए सी लेंथ कितना है थ्री, थ्री इंटू फोर प्लस ए बी लेंथ है फोर, फोर इंटू जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं पहले इन सेंटर का,
तो इन सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट 4 इंटू 0 अपॉन तीनों साइड्स का सम 5 प्लस 3 प्लस 4। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट 5 इंटू 0 प्लस AC लेंथ 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट B का वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस 4 AB लेंथ 4 इंटू C का वाई कोऑर्डिनेट जो कि 3। तो 4 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3 प्लस 4। तो ये हमारा इन सेंटर मन को बना गया। एंड रेडियस, एक इंपॉर्टेंट चीज हम निकालना भूल गए कि यहाँ पे रेडियस कैसे निकाला। एक बार उसी डायग्राम में दिखाता हूँ कि रेडियस कैसे निकाल सकते हैं इन सेंटर